हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो यार। सो जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो फुल पिकेट टाइट होती है, एंड रूही उसे अपने घर ले आती है। और जिया को जब सुबह होश आता है तो वो देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए, और उसे कुछ याद भी नहीं होता कि रात को क्या हुआ होता है ना। तो रूही से पूछती है कि रूही कल रात को क्या हुआ था, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो रूही कहती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या कल रात को क्या हुआ था, क्या किया था तुमने। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिया कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकती हो। शेम ऑन यू जिया, क्या तरीका था ये, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ना जिया, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो जिया कहती है कि ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, और जो भी कराओ तो मुझे कम से कम ये तो बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं। तुम्हें पता है मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा। रूही कुछ भी का मतलब समझती हो। तो रूही कहती है हाँ आफ्टर ऑल मैंने ही उतारे तुम्हारे कपड़े। तो जिया जो होती है ना मतलब शॉक, तुमने उतारे, क्यों क्यों उतारे। तो रूही कहती है कि मुझे जो ज़रूरी लगा और जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया, ठीक है ना, मैं तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं दूंगी। तो जिया कहती है कैसे नहीं दूंगी, उतारने से पहले तुमने पूछा था है ना, नहीं पूछा ना तो अब मुझे क्यों का जवाब भी दो। तो रूही कहती है मैंने, तुमने मुझे मजबूर किया था ये करने के लिए। तो जिया कहती है कि हाँ, पहले मुझे बताओ तो सही मैंने ऐसा क्या किया था जिससे तुम मजबूर हो गई थी इतना। तो रूही कहती है तुम्हें याद है तुमने कल रात को कितनी पी रखी थी। तो जिया कहती है कि कितनी पी रखी थी यार, नॉर्मली तो पी रखी थी। तो रूही कहती है बिल्कुल, अगर तुम्हारे लिए ये नॉर्मल थी तो पता नहीं टल्ली होना किसे कहते हैं। तो जिया कहती है ठीक है पहली मत बुझाओ, बताओ क्या हुआ था। तो जी रूही बताती है कि कल रात को तुमने ओवर लिमिट कर ली थी एंड तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, तुम चुपचाप बस साइलेंट मोड पे सेट एकदम, और इस हालत में तुम गाड़ी भी नहीं चला सकती थी और मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी। तो हमारे ऑफिस के जो मिस्टर ऋषभ जी हैं वो हम दोनों को मेरे घर छोड़ के गए थे, और तुम्हें क्या पता रास्ते में तुमने क्या क्या किया। तो जिया पूछती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो बताती है कि तुमको हमने जब गाड़ी में बैठाया तब तक तुम शांत थी, पता नहीं बीच में तुम्हें क्या हो गया था, एक टोल पे हमने गाड़ी रोकी, तुम तो गाड़ी से नीचे उतर के डांस करने लग गई। तुम वहाँ पे गाड़ी के ऊपर चढ़ करके डांस कर रही हो, फोटो ले रही हो, तुम्हें पता है तुमने पुलिस वाले को तो थप्पड़ भी मार दिया। तो जिया कहती है मैंने थप्पड़ मारा क्यों। तो रूही बताती है कि कुछ नहीं, वो तुम्हें कह रहा था मैडम इतनी क्यों पीते हो जब चढ़ चढ़ जाती है, तुम्हें बोल रहा था भाई तुमने ज़्यादा पी रखी थी तो तुमने उसे खींच के एक थप्पड़ मारा। तो जिया कहती है अबे और फिर और क्या हुआ। तो रूही कहती है कि क्या होना था, मैंने उससे सॉरी मांगी और तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिया कि तुम कौन हो, तो ये तो शुक्र है कि वो तुम्हारे पापा को जानता था तो उन्होंने कुछ नहीं कही, क्या ठीक है इन्हें बस घर छोड़ दीजिए, ऐसे कह के छोड़ दिया। अगर कोई और होता ना तो तुम अब तक लॉकअप में होती। तो जिया कहती है ठीक है ठीक है, लेकिन इसमें ये कैसे साबित होता है कि पहले मुझे बताओ कपड़े क्यों उतारे तुमने, बात की बातें सारी करेंगे मैंने क्या किया क्या नहीं करा, तुमने कपड़े क्यों उतारे। तो रूही कहती है कि सुना रही हो तुम्हें फिक्र क्यों करती हो। तो उसके बाद हम घर आ गए, तो मैंने मेरे मम्मी पापा को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, ठीक है, चुपचाप पहले मैं गई अंदर गई, जब मम्मी पापा सो गए उसके 10 मिनट बाद तुम्हें अंदर ले गई। तो जिया कहती है अच्छा तब तक मैं बाहर बैठी रही अकेली, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आई कि मेरे साथ कुछ हो जाता। तो रूही कहती है कि नहीं ऋषभ था तुम्हारे साथ, उसने संभाल लिया तुम्हें, मुझे तुम पे इतना गुस्सा आ रहा ना हद नहीं, यार कौन पानी गिराता है अपने ऊपर। तो जिया कहती है पानी गिराया था मैंने मेरे ऊपर, क्या कह रही हो तुम। तो भी कहती है हाँ सही कह रही हो, मैं बाथरूम में तुम्हें लेके गई थी ताकि तुम्हारी थोड़ी हल्की कर सकूँ, और तुम बेवकूफ़ ने तो पूरी पार्टी अपने ऊपर उंडेल ली, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें होश कहाँ, तुम्हारे पूरे कपड़े गीले पड़े थे। तो जिया कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम बाथरूम से मुझे बिना कपड़ों के लेके आई थी। तो जी रूही कहती है कि नहीं
क्या है ना, मुझ में तो शर्म बाकी है, तुम में तो शर्म है नहीं, पर मुझ में तो है ना। मैं पहले तुम्हें बाथरूम से लाई, तुम्हें यहाँ लेटाया, फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, और उसके बाद मुझे तो कल रात को याद ही नहीं करना। तो जिया कहती है कैसे नहीं करना, तुम मुझे याद हो जब मैंने कपड़े, मतलब तुमने मेरे कपड़े कैसे उतारे थे। तो रूही कहती है कि डोंट वरी डोंट वरी, मेरा मुंह सैड था और बस मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे और कुछ भी नहीं। तो जिया कहती है कि सच्ची सच्ची बताओ, कुछ किया तो नहीं ना। तो रूही कहती है नहीं किया ना। तो जिया कहती है कि सोच लो, वैसे भी एक लड़की बिना कपड़ों के तुम्हारे बेड पे है, जिसे तुम इतनी बार किस कर चुकी हो, मुझे तो लगता नहीं है कि तुमसे कंट्रोल हुआ होगा ना, तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना। तो रूही कहती है शट अप, मैं तुम मुझ तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तो जिया कहती है क्यों, तुम कर सकती हो और मैं सोच भी नहीं सकती। तो रूही कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो जिया कहती है वो तो वक्त बताएगा कुछ नहीं किया या तुमने कुछ किया है। वैसे एक बात कहूँ। तो रूही कहती है हाँ बताओ क्या कहना। तो जिया कहती है कि एक बिना कपड़ों में खुली तिजोरी की तरह होती है ना एक लड़की, और तुमने तिजोरी लूटी भी नहीं, क्या बात है, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे तो। तो रूही होती है ना वो ऐसे लग जाती है कि बकवास करवा लो तुमसे, बस बकवास करनी आती है ना तुम्हें। तो ऐसे बोल करके जो पिल्लो होता है ना उससे जी जिया को मार रही होती है। तो जिया कहती है अरे पागल बदतमीज लड़की, मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए, रुक रुक। तो ऐसे क्या 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 ना, मतलब उससे बच रही होती है। तो क्या है ना वो चद्दर होती है ना, तो उसमें रूही का पैर अटक जाता है, तो जो रूही होती है वो जिया के ऊपर गिर जाती है। उन्हें के दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं ना, और आंखों में खोते होते इन्हें पता ही नहीं होता है कब एक दूसरे के कितने करीब आ चुके होते हैं ना, मतलब कि बस किस करने ही वाले होते हैं एक दूसरे को, कि इतने में जो रूही होती है उसके रूम का डोर लॉक होता है। तो रूही कहती है, मतलब रूही होश में आ जाती है ना कि क्या नोक नोक अब कौन आ गया, और वो तुरंत पीछे हो जाती है और कहती है कि अब कौन आ गया। तो जिया बोलती है कि मुझे क्या पता। तो इतने में बाहर से आवाज़ आती है ना कि रूही। तो रूही कहती है हाँ मम्मी। इतने जैसे रूही बोलती है ना वो जा रही होती है गेट खोलने के लिए, तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हे तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही कहती है गेट खोलने के लिए। तो जिया कहती है नहीं 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 अगर आंटी को ये पता लग गया मैं यहाँ पर हूँ, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, तुम गेट नहीं खोलोगी, तुम ऐसे बोल दो कि तुम अभी बिजी हो, बाद में गेट खोलोगी है ना, चलो शाबाश शाबाश बोलो ऐसे। तो रूही कहती है कि क्यों मैं तो नहीं बोलूँ। तो जिया कहती है प्लीज़ बोल दो यार, वो मुझे डांटेंगी। तो जिया कह रूही कहती है नहीं मैं नहीं बोलूँगी यार, प्लीज़ बोल दो ना यार प्लीज़। तो रूही कहती है कि ठीक है बोल दूँगी, मगर मेरी शर्त है। तो जिया कहती है शर्त है, बताओ कैसी शर्त है। तो रूही कहती है कि पहले मेरे पैरों में गिरो और बोलो कि प्लीज़ मम्मी को मत बताना। तो जिया कहती है ये तो ब्लैकमेल करना हुआ यार। तो रूही कहती है कुछ भी समझो, मगर जब तक ये नहीं करोगी तब तक तो मैं सोच लो। तो रूही कह जिया ना उसकी बात मान जाती है और मतलब उसके पैरों की साइड कहती है प्लीज़ आंटी को कुछ भी मत बताना। रूही कहती है कि ठीक है बच्चा ठीक है। तो जिया जो होती है वो जी बाथरूम में चल जाती है, रूही गेट खोल देती है, कहती है हाँ मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है कि जिया कैसी आओ। तो रूही कहती है हाँ मम्मी वो ठीक है, वो बाथरूम में है ना बस, तो जैसे ही वो आ जाती है मैं बोल दूँगी आपसे मिलने की। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही वो बाहर निकले ना मेरी बात कराना पहले उससे। तो रूही कहती है हाँ मम्मी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जाइए मैं उसको मतलब दे देती हूँ ना कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ। तो जो रूही होती है वो रूम लॉक कर देती है एंड वापस अंदर आ जाती है। तो जो जिया होती है ना वो तुरंत बाहर आती है और उसको मतलब ना बेड पे गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके दोनों हाथ को ना पकड़ लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब तुमने मुझे ब्लैकमेल भी किया और उस चीज़ के लिए जो थी ही नहीं, आंटी को तो पहले से पता है कि मैं कमरे में हूँ, तुम्हें तो मैं मतलब है ना उसके दोनों हाथ पकड़ रखे होते ना, फिर
दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के उसको ना मतलब मार रही होती है प्यार से, तो जिया जो होती है ऐसे मार लेती है। तो रूही कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तो रूही जो होती है वो उसके ऊपर आ जाती है ना, और जो जिया होती है उसकी वो चादर थोड़ी सी खुल जाती है, तो रूही है ना उसको मार रही होती है, इतने में चादर पूरी खुल जाती है। तो रूही पीछे कहती है ही तुम शर्म जाती क्या, बदतमीज लड़की। तो जिया कहती है क्यों तुम्हें कपड़े मेरे उतारते वक्त शर्म नहीं आई, देखते वक्त बड़ी शर्म आ रही है। तो रूही कहती है अरे मैंने रात को भी नहीं देखा था। तो जिया कहती है कि अब मैं चाहती हूँ देख लो क्या हुआ। तो जिया रूही कहती है कि मुझे नहीं देखना, तुम कपड़े पहनो। तो जिया कहती है नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगी, क्या दिक्कत आ रही है। और इसे कहते हैं ना एयर कंडीशनर, एकदम ठंडी ठंडी हवा है ना। तो रूही कहती है नहीं तुम ये चादर पहनो, वापस पहनो यार। तो जिया कहती है चादर ही पहनोगी, कपड़े दे दो यार मुझे मेरे। तो रूही कहती है कि हाँ कपड़े कपड़े तुम्हारे कपड़े, बाथरूम है तुम बाथरूम में जाओ ना चेंज कर लो, जाओ जाओ जाओ। तो जिया जो होती है वो बाथरूम में चल जाती है, चेंज कर लेती है और बाहर आ जाती है। तो रूही कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है हाँ जी बताओ। तो रूही कहती है कि तुम दवाई ले लो, ये काम करो पहले कुछ खा लो फिर दवाई ले लेना। तो जो जिया होती है कहती है क्यों दवाई क्यों लो। तो रूही कहती है कि ज़रा अपने आप को हाथ लगाओ और देखो तुम्हें कितना फीवर हो रहा है। तो जिया कहती है यार फीवर अरे ठीक हो जाएगा ये अपने आप, फिक्र मत करो मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो रूही कहती है मम्मी को बुलाऊं। तो जिया कहती है ले लूँ ना। तो रूही जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती वाह मम्मी से बड़ा डर लगता है तुमको। तो जिया कहती है कि यार तुम्हारी मम्मी है, मेरे को ऐसा डेंजर है, डेंजर डेंजर जोन में कंडक्ट करना चाहिए ना तुम्हारी मम्मी को, कितनी डेंजर है यार वो, मेरे को तो बड़ा डर लगता है उनसे। तो रूही कहती है कि देख लो तुमने अगर मुझे तंग करा ना तो मम्मी से कह दूंगी मैं मेरी। तो जिया कहती है अच्छा जी ये बात है। तो मतलब उसका हाथ है ना पीछे से मरोड़ देती है और कहती है कि अब बुलाओ अपनी मम्मी को मैं भी देखती हूँ। तो जो रूही होती है वो आवाज़ लगाती है मम्मी। तो जिया उसका मुंह बंद कर लेती है, पागल लड़की मैं मजाक कर रही थी क्यों मसला कर रही हो। तो उसकी मम्मी आवाज़ सुन लेती है ना और वापस आ जाती है। तो देखती है कि जो जिया होती है उसने मुंह बंद कर रखा होता है। तो कहती है अच्छा बेटा तुमने इसलिए मुंह बंद कर रखा है ना ताकि मुझे आवाज़ ना लगा सके और बता ये भी ना बता सके कि तुम बाहर आ गई हो। जिया मेरी बात सुनो बैठो यहाँ पे। तो उसकी जो मम्मी होती है वो जिया की क्लास लगा देती है कि ये तरीका नहीं होता ऐसे नहीं वैसे नहीं ये वो। तो जो जिया होती है ना वो लोग थक जाती है, उस तो पहली बार कोई ऐसे डांट रहा होता है ना। तो जी रूही की मम्मी डांट डूट करके चली जाती है एंड रूही है ना उसको पीछे से कहती है कैसा लगा कितना मज़ा आया। तो जिया जो होती है कहती है यार ये डांट तुम्हें डेली पड़ती है। तो रूही कहती है नहीं नहीं वीकेंड में एक बार। तो जिया कहती है अगर मुझे ईयरली में भी एक बार पड़े ना तो मुझसे बर्दाश्त ना हो, मुझे तो ज़िंदगी में आज तक इतना किसी ने नहीं डांटा। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अगर पूरी ज़िंदगी में सारा मिला करके भी इतना किसी ने नहीं डांटना। तो रूही हंसने लग जाती है, कहती पागल लड़की क्या बोल रही हो तुम। तो जिया कहती है यार तुम्हारी मम्मी कितना डांटती है, देखा 10 मिनट तक वो मुझे सिर्फ डांटती रही और तुम मुझ पर दया नहीं आई ना। तो रूही कहती है अरे पागल तुम्हें पता उन्होंने तुम्हें क्यों डांटना। तो जिया कहती है कि इसलिए ना कि मैंने कल रात को ओवर लिमिट कर रखी थी। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है फिर क्यों डांटा। तो रूही कहती है कि पागल मैंने उन्हें ये बताया था कि तुम सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ गई और तुम्हारी तबीयत खराब है तब भी। तो कहती है इसलिए मुझे इतना डांटा। तो कहते हाँ इसीलिए डांटा। तो जिया जो होती है ना वो मतलब बैट पे लेटती है, कहती है होश काश मतलब काश क्या शुक्र है कि इन्हें ये नहीं पता है कि रात को मैंने इतने ड्रिंक कर रखी थी और यहाँ पे जो भी हुआ अगर इन्हें ये पता लग जाता तो ये लेक्चर 10 मिनट नहीं आधा घंटा चलता। शुक्र है यार तुमने मुझे बचा लिया और तुमने झूठ बोल दिया। तो रूही कहती है हाँ यार ये तो मैंने गलती कर दी ना, ऐसा करना नहीं चाहिए था ना मुझे सच बताना चाहिए था। तो जो जिया होती है ना मतलब वो उसको पीछे लेकर के उसके ऊपर वापस आ जाती है, खबरदार अगर तुमने ये बताया तो। रूही कहती है अच्छा मुंह बंद करने का कमीशन लगेगा। तो जिया कहती है ओ हेलो पहले वाला ना अभी तक वैलिड है वो इस्तेमाल नहीं हुआ वही रख लो। तो रूही हंसने लग जाती है, कहती है जी मतलब पैरों में गिरने वाला अभी तक वैलिड है। तो जिया कहती है चुप रहो यार तुम याद मत दिलाओ,
तुमने तुम्हें शर्म नहीं आती ना, तुमने मेरे साथ चीटिंग करी थी, तुम हर बार मेरे साथ चीटिंग करती हो, तुम्हें पता है। तो रूही कहती है कोई बात नहीं, दोस्त है, चलता है इतना तो। तो जिया कहती है हाँ हाँ चलता है। तो रूही कहती है कि चलो वरना मम्मी फिर डायलॉग देंगी ना। तो कहती है हाँ हाँ चलो चलो चलो। तो जिया लोग चले जाते हैं जी नाश्ता करने के लिए। एंड नाश्ता करने के बाद जो जिया होती है वो कहती है ठीक है चलो अब मैं मेरे घर चलती हूँ ना। तो जो रूही होती है कहती है कहाँ कहाँ, दवाई तो लो पहले। तो जिया कहती है नहीं मुझे दवाई नहीं लेनी। तो रूही की मम्मी कहती है कि बेटा क्यों नहीं लेनी। तो जिया कहती है कि आंटी मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर को दिखा जाती हूँ ना फिर दवाई ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बिल्कुल बेटा ये बहुत अच्छी बात है ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जिया कहती है आंटी आप क्यों परेशान हो रही है ना, आप तो जाइए आप काम कर लीजिए, कोई बात नहीं मैं ले आऊँगी। तो जो रूही होती कहती है नहीं नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं आ रही, अपन तीनों चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, चलो चलो जी अपन साथ चलते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है रूही, चलो साथ चलते हैं ना, कोई भी दिक्कत होगी तो कम से कम पता रहेगा ना और बड़ा साथ रहेगा, सपोर्ट रहता है। तो जिया कहती है सपोर्ट, पहले मुझे ये बताओ डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हो मेरे को, मैं तो झूठ बोल रही थी। लेकिन वो ऐसा मन में बोल रही होती है ना और रूही को समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रही थी। तो वो जानबूझ के मजा लेती है कि मम्मी देखो अभी जाएंगे ना तो जल्दी नंबर भी आ जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा, और हो सकता है इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए बाद में, चलो चलो मम्मी अपन अभी चलते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा तुम रुको मैं बस अभी आई। तो जी उसकी मम्मी अंदर चली जाती है, जो जिया होती है और रूही को ना मतलब पकड़ती है और कहती है तुम ना मुझसे मरोगी, तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम मुझे हर बार फंसाती क्यों हो। तो रूही कहती है क्यों, जब तुम मुझे फंसाओ तब तो कोई बात नहीं और अब मैं तुम्हें फंसा भी नहीं सकती, क्या बात है क्या बात है। तो जिया कहती है शिट मेरी गलती है ना, मैंने तुमसे पंगा लिया ही क्यों। तो रूही कहती है बिल्कुल तुम्हारी गलती है, तुमने मुझसे पंगा लिया ही क्यों। तो ऐसे बोल रही होती इतने में उसकी मम्मी आ जाती है और ये लोग चले जाते हैं जी हॉस्पिटल में। एंड हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर होता है ना, वो जिया को देख कर कहता है ये मेरी पेशेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो जिया कहती है कि ये मेरा डॉक्टर है, बिल्कुल नहीं, चलो इस हॉस्पिटल से। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो जिया कहती है आंटी डॉक्टर है कोई बकवास डॉक्टर है, ऐसा डॉक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, इसको कुछ नहीं आता जाता। तो डॉक्टर कहता है मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे ये पेशेंट लेना ही नहीं है, प्लीज़ आप लेके जाइए यहाँ से। तो जो रूही होती कहती है कैसे नहीं लेना डॉक्टर, आप इसका चेकअप कीजिए और आपका ये फ़र्ज़ बनता है ना आप चेकअप करो इसका। तो डॉक्टर कहता है कि आपको पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। तो रूही कहती है क्या किया था। तो जो डॉक्टर होता है ना वो बताता है कि लास्ट टाइम जब ये आई थी ना इन्होंने कहा था मेरे कान बकरे जैसे हैं और मेरी जो ये नाक है ना ये तोते जैसी है, आँख जो है ना ये चील जैसी है, और दांत को तो इन्होंने खरगोश बताया था, मुझे तो जीता जागता जानवर बनाया था इन्होंने। तो जो रूही होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है तो ऐसे क्या क्या हंसी होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी रुको आपको पता है पिछली बार जब इनके दांत में दर्द हुआ था ना तो मैं इनका दांत निकाल रहा था, मतलब दांत देख रहा था ना, तब इन्होंने मुझे पंच मारा था सिर्फ इस वजह से कि दांत में हल्का सा दर्द हुआ था, पता है वो पंच इन्होंने मेरे पेट में मारा, मैं पीछे जाके गिरा, आपको अंदाजा है कितना दर्द होता है। और उसके बाद इन्होंने जो ये सब कुछ किया ना ये मेरी स्टाफ के सामने किया, पता है आज भी वो लोग हंसते हैं, जब ये अंदर आई थी ना तो उनमें से एक कह रहा था कि सर सर आपका एक पुराना वाला कस्टमर आया है, कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं देखूंगा, लेके जाओ आप इनको यहाँ से। तो रूही कहती है कि अरे डॉक्टर कोई बात नहीं अब जो हो गया वो हो गया ना, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो डॉक्टर कहता है नहीं मैं नहीं देखूंगा। तो डॉक्टर जो रूही होती कहती है प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ देख लीजिए ना और आपका तो फ़र्ज़ है प्लीज़। तो रूही के कहने वो डॉक्टर जो होता है वो जिया को देख लेता है एंड जिया का भी मुंह फूला होता है ना। तो डॉक्टर कहता है देखा आप मुझसे प्लीज़ कह रही हैं और ये मैम देखो ऐसे मुंह फुला के बैठी है ना जैसे मैंने इनका कुछ बिगाड़ दिया हो। तो जिया कहती है हाँ पिछली बार तुम्हें याद है तुमने मेरे दांत को छेड़ा था कितना दर्द हुआ था मुझे। तो डॉक्टर कहता है अच्छा आपको याद है आपने मेरे पूरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करी थी, वो तो कुछ याद नहीं है आपको। तो जिया कहती है कि वो हेलो बेइज्जती के लायक हो तुम तभी की थी। तो डॉक्टर कहता है कि मैं बेइज्जती के लायक हूँ, मैं
आपको देखूंगा ही नहीं, ठीक है, आप कहीं और जाइए। तो रुई कहती है, डॉक्टर जिया तुम दोनों ना चुप हो जाओ, डॉक्टर आप जिया को देखिए और जिया तुम चुप रहोगी। तो डॉक्टर जो होता है वो जिया को देखने लग जाता है, मतलब ठीक है नहीं है, और जो जिया होती है वो चुपचाप होती है। तो डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, बस इन्हें थोड़ी सर्दी लग गई है, मैं दवाई लिख के दे देता हूँ, आप इन्हें डेली दे दीजिए, 2 दिन मत दवाई दोगे ना कंटिन्यू तो ये ठीक हो जाएंगी। तो जो जिया होती है ना बोलती है कि हाँ तुम्हारी दवाई से 2 दिन ठीक होंगे, तुम्हारे पास ऐसी दवाई तो होगी नहीं कि 1 दिन में ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर कहता है कि देखा मैम अभी भी ये कैसे बोलती है, मैम आप इनको लेके जाइए, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी। तो जिया कहती है मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है, ठीक है ना, ये तो रूही मुझे यहाँ पे ले आई, वरना मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी नहीं आऊँ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है ना, तो अभी जाइए आप यहाँ से, मैंने थोड़ी ना आपको बोला है कि आप यहाँ रुकी है। तो जिया कहती है तुमने मुझसे ऐसे बोला ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही कहती है अरे आप दोनों प्लीज़ मत झगड़िए, जिया प्लीज़ तुम चुप हो जाओगी थोड़ी देर, एंड डॉक्टर साहब आप जल्दी से दवाई दीजिए ना, आप भी क्या मुँह लग रहे हो उसके। तो डॉक्टर कहता है हाँ हाँ ये लीजिए मैम, और आप बाहर से दवाई ले लीजिएगा। तो इतने में जो रूही की मम्मी होती है ना वो बाहर होती हैं, तो कहती है हो गया चेकअप? तो रूही कहती है हाँ मम्मी बस हो गया ना चेकअप, चलिए चलते हैं। सो जो रूही की मम्मी होती है वो चली जाती है जी अपने घर, एंड जिया और रूही दोनों चले जाते हैं जी जिया के घर। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। वैसे जिस हिसाब से अब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जितना रोमांस हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में भी वो वाला प्यार हो ही जाएगा, और जो जिया है वो खुद प्रपोज कर देगी। या फिर थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट डालते हैं ना, कि जिया प्रपोज नहीं करेगी, रूही करेगी जी जिया को प्रपोज, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, और क्यों करेगी वो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। एंड आप लोग कहते हो ना कि शायरी, तो आप लोगों के लिए प्यारी सी शायरी। तुम्हारी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, तुम्हारी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, पर मेरी बेचैनी की वजह तो बस तुम हो। ओके बाय।